हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपने कल का क्लास अटेंड किया होगा। उसके साथ मैंने क्वेश्चन बैंक आपको दिया था, वो भी आपने सॉल्व किया होगा। आज उसका हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे, आंसर के साथ फुल एक्सप्लेनेशन आज हम देखेंगे। आपको एक एक क्वेश्चन करके मैं आंसर भी बताऊंगी, उसके साथ एक्सप्लेन भी करूंगी ऐसा क्यों हुआ करके। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर। इसमें देखो नाइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ आया, इसमें यहाँ पे प्लूरल आएगा और यहाँ पे इज आएगा। मैंने आपको बताया था नाइदर ऑफ आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो तो हमारा क्या होगा, प्लूरल, लेकिन हमारा जो वर्ब है वो हमारा सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे बी में गलत है, यहाँ पे इज आना चाहिए, यहाँ पे इज हमारा आना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस है, ही वॉक्ड 5 miles विच आर। मैंने आपको कल ही बताया था इसे 5 miles है, 2 miles है, ये हमारे यूनिट जो है ये हमारा सिंगुलर होता है। कोई भी डिस्टेंस, मैंने बताया था डिस्टेंस हो, कोई स्टेट का नाम हो, ये सब में क्या होता है, हमेशा ये हमें प्लूरल लगता है, लेकिन हमारा क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे इज होना चाहिए, तो ए में हमारा मिस्टेक है। आप साथ साथ अपना मिस्टेक देखते हुए चलो, तभी आपको समझ में आएगा। अब थर्ड सेंटेंस में देखो, आइदर ऑफ माई कलीग और अ प्योन आर कमिंग होम। आइदर आ गया, इधर और का मैंने आपको बताया था, नाइदर नॉर का आपको मैंने बताया था। ये सब जब आता है तो हमेशा हमारा सिंगुलर यूज होना चाहिए, सिंगुलर यूज होना चाहिए, तो यहाँ पे इज आएगा। इधर माई कलीग और अ प्योन इज कमिंग होम, यहाँ पे आर नहीं, इज आएगा। फोर्थ सेंटेंस में, द राइज एंड फॉल, मैंने आपको बोला था एंड जब आता है और इसके बाद राइज एंड फॉल जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे हमारे क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए, यहाँ पे इज होगा। गाइस आपको समझ में तो आ रहा है ना, जो जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे उसी में है। अगर आपने सारे क्लासेस रेगुलरली, 2 क्लासेस मैंने लिए हैं, अगर वो आपने रेगुलर और अच्छे से आपने किया है तो इसमें आपको डाउट नहीं आएगा, बहुत ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं जल्दी जल्दी। अब नेक्स्ट देखो फिफ्थ का, मेनी अ मैन, मेनी अ, मैंने आपको बताया था मेनी क्या होता है, मेनी अ क्या होता है। अब मेनी अ क्या होता है, हमारा सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या है, हमारा प्लूरल, तो पता चल गया यहाँ पे हैव नहीं आना चाहिए था। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द सिक्स्थ, हाँ, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफी एंड सच अदर बेवरेजेस। देखो यहाँ पे द इंट्रोडक्शन ऑफ, यहाँ पे मेन हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट कौन सा ये पता लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप बोलोगे टी, कॉफी, ये सब हमारा सब्जेक्ट है, ये सब सेकंड सब्जेक्ट है। मेन सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन हमारा मेन सब्जेक्ट है, इस हिसाब से हमारे यहाँ पे वर्ब लगेगा। तो यहाँ पे अगर इंट्रोडक्शन हमारा सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होना जरूरी है, तो यहाँ पे हैज आएगा, यहाँ पे हैव नहीं आएगा। अगर इंट्रोडक्शन इस जगह पे हमारा प्लूरल होता तो यहाँ पे हैव आना सही था, लेकिन सिंगुलर है यहाँ पे, इस वजह से यहाँ पे भी सिंगुलर आएगा, हैज आएगा। नेक्स्ट सेवेंथ सेंटेंस में देखो, द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था सिक्स में, एक बार देखना, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफी, इसमें मेन कौन सा था, इंट्रोडक्शन था, सेम वैसे ही यही वाला, ये इसमें सेम एग्जाम्पल आपको दिखेगा। द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स, मशीन्स जो है यहाँ पे ये प्लूरल है, लेकिन किसकी बात हो रही है, न्यूअर टाइप ऑफ, ये हमारे क्या है, सिंगुलर है, तो इस हिसाब से ये वाला जो वर्ब है ये भी सिंगुलर होना चाहिए। और वर्ब में सिंगुलर कब होता है, जब इसमें हम ई एस एड करते हैं, तो जब इसमें हम ई एस एड करेंगे वॉशेस हो जाएगा, तो ये सिंगुलर हो जाएगा, तो मिस्टेक यहाँ पे है। आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि ऑटोमेटिक मशीन्स आया है तो यहाँ पे हमारा वॉश ही होना चाहिए, नहीं, मशीन के हिसाब से नहीं चलेगा। द न्यूअर टाइप ऑफ, ये मशीन्स जो है किसके टाइप के हैं, न्यूअर टाइप, और ये हमारा सिंगुलर है तो ये भी हमारा सिंगुलर होना चाहिए। अब एट का देखो, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज टू टाइप देयर ओन रिसर्च पेपर। अब देखो इसमें ईच ऑफ है, मैंने आपको बताया था, अगर सिर्फ ईच आएगा तो हमारा सबको सिंगुलर होगा, अगर ईच ऑफ है तो हमारा प्लूरल होगा, कहाँ पे, सिर्फ हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, उसके अलावा सब कुछ जो भी वर्ब्स वगैरह आएगा, पोजिशन आएगा, वो सब हमारा सिंगुलर होगा। यहाँ पे हैस है, सही है, यहाँ पे देयर नहीं होना चाहिए, देयर गलत है, और हमारा यहाँ पे सिंगुलर आना है,
और ईच ऑफ स्टूडेंट्स है, ये फीमेल है या मेल हमें नहीं पता, इस यहाँ से मैंने आपको बोला था अगर मेल है या फीमेल हमें नहीं पता तो हम क्या यूज करेंगे, मेल यूज करेंगे, मेल का फॉर्म यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, हिज ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर, ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे ईच ऑफ है, ईच ऑफ मतलब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो नाउन आएगा वो हमारा प्लूरल आएगा, उसके अलावा बाकी जो भी है वो सब सिंगुलर होना चाहिए, हैस होना चाहिए, हैव नहीं होना चाहिए, वैसे यहाँ पे हिज होना चाहिए। सेम वैसे इसमें देखो, एवरी वन ऑफ द फिल्म यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग, एवरी वन ऑफ आया तो मतलब प्लूरल आना चाहिए, ओके फिल्म आए ओके, लेकिन उसके बाद जो वर्ब है वो तो सिंगुलर होना चाहिए लेकिन यहाँ पे तो प्लूरल है, यानी कि सी में मिस्टेक है, यहाँ पे इज होना चाहिए था। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग, ओनली वन ऑफ आ गया तो यहाँ पे नॉवेल्स आया से यहाँ पे, लेकिन सेम बात है ये हमारा सिंगुलर होना चाहिए था इसलिए मिस्टेक है, ओके सॉरी मैंने टेंथ वाला मिस कर दिया, मैं ध्यान नहीं दिया, ओके। द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेजेस ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग, देखो यहाँ पे मैंने बताया था द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल होता तो दोनों अलग अलग है, यहाँ पे द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल है तो दोनों एक ही पर्सन की बात हो रही है, तो यहाँ पे आर नहीं यहाँ पे इज आना चाहिए, क्योंकि ये सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल दोनों एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है, तो बी में मिस्टेक है। यहाँ पे देखो नेक्स्ट है, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट टू लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन, यहाँ पे देखो यहाँ पे है टू लैंग्वेजेस और यहाँ पे है नॉलेज, पहले आपको ये समझना है मेन जो सब्जेक्ट है कौन सा है, लैंग्वेज है या नॉलेज है, आप बोलोगे लैंग्वेजेस है, नहीं लैंग्वेजेस नहीं है, उससे पहले टू लैंग्वेजेस किसका, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट टू लैंग्वेजेस मतलब नॉलेज हमारा क्या है मेन सब्जेक्ट है, तो नॉलेज हमारा क्या सिंगुलर है, तो यहाँ पे भी सिंगुलर आना इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे गलती है, ठीक है यहाँ पे आना चाहिए नॉलेज ऑफ एटलीस्ट टू लैंग्वेजेस इज रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। अब नेक्स्ट देखो, इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन, इट इज आई हु एम टू ब्लेम, आई आए तो एम आएगा, जब हु विच दैट ये सब आए रिलेटिव प्रोनाउन के यूज टाइप में यूज हो तो वहां पे हम आई के जगह पे मतलब आई जहां पे आए वहां पे हम एम यूज करेंगे, इट इज आई हु एम टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, रोमांटिसिज्म ऑफ माइकल ओली In art and literature are the reason for insensitivity to those suffering from depression. यहाँ पे देखो melancholy मतलब क्या होता है, melancholy मतलब जो sad होते हैं और चुप रहते हैं, कम बोलते हैं, एक negative word है। Romanticism मतलब क्या होता है, romanticism मतलब होता है the state or quality of being romantic, मतलब जो romantic होने के जो स्टेट पे होते हैं उसको कहते हैं रोमांटिसिज्म, कि रोमांटिसिज्म जो है वो 18th सेंचुरी में ज़्यादा पॉपुलर हुआ था यूरोपियन कंट्रीज में। यहाँ पे देखो जैसे रोमांटिसिज्म जो है वो हमारे क्या सिंगुलर है, ओके तो यहाँ पे हमने जो यूज़ किया आर, यहाँ पे आर नहीं यहाँ पे इज आएगा, प्लूरल नहीं आएगा सिंगुलर आएगा, तो यहाँ पे मिस्टेक कहाँ है हमारे, बी में मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये पकड़ना पड़ेगा सब्जेक्ट हमारा मेन सब्जेक्ट कौन सा है, अगर मेन सब्जेक्ट आपने देख लिया तो बहुत इजीली सारे क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस पे जाते हैं, पेशेंस एज वेल एज परसिवेरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस, इसमें परसिवेरेंस का मतलब ये होता है ऐसे कोई चीज करना, इसमें साथ साथ में जो टफ वर्ड्स होंगे ना आपको मीनिंग बताते हुए चलूंगी ताकि आपको वोकैब में कोई दिक्कत ना आए, जैसे कोई ऐसे कोई चीज करे ऐसे कोई काम करे कोई ऐसा कोई एक्शन हो जैसे हमें कोई मतलब इसके फेलियर या फिर कोई डिस्करेजमेंट या रिगार्ड से कोई मतलब ना हो, मतलब बिना कोई हम इसके ऐसे ऐसे नहीं बोलेंगे बिना कोई मोटिव के, जैसे मोटिव तो है लेकिन बिना कोई इसके फेलियर के बारे में बिना सोचे समझे जो चीज़ हम करते रहते हैं उसको कहते हैं परसिवेरेंस। इसमें देखो जैसे पेशेंस एज वेल एज परसिवेरेंस आर नेसेसरी, यहाँ पे साफ पता लग रहा है यहाँ पे एज वेल एज आ गया, आपको एज वेल एज का मैंने पहले भी बता रखा था, यहाँ पे एज वेल एज
आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था आपको, सिंगुलर आना चाहिए, तो यहाँ पे आर नहीं इज आना चाहिए था, तो बी में मिस्टेक है। इसमें देखो इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। यहाँ पे देखो विद आया, यहाँ पे विद का मैंने आपको बता रखा था, जब भी विद आता है उसमें फर्स्ट सब्जेक्ट हम देखते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, ब्रदर इन लॉ हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, वॉज आना चाहिए, यहाँ पे वर नहीं वॉज आना चाहिए था, क्योंकि विद आया है, आपको बताया था, जब भी विद और भी सेंटेंस आपको बताए थे आपको मैं प्रोवाइड किया है वर्ड्स, उसमें जब फर्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट में अगर हमारा सिंगुलर है तो ये भी हमारा सिंगुलर होना चाहिए। अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वॉज फाउंड नियर ईच अदर। अ हॉट एंड अ कोल्ड, अ हॉट अ कोल्ड, दो अलग अलग हैं, यहाँ पे दो है, यहाँ पे सिंगुलर नहीं यहाँ प्लूरल है, वॉज नहीं वर आना चाहिए यहाँ पे, सिंपल था। आइदर ऑफ द रोड्स, आइदर ऑफ आ गया, यहाँ सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होना चाहिए, ये हमारा जो लीड है इसमें एस आना चाहिए था, मतलब सिंगुलर, ये गलत है, ऐसा आएगा इसके साथ। वन ऑफ माई डिजायर्स, वन ऑफ है यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंगुलर आएगा, वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, ये सब मैंने आपको बता दिया पहले। द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग, जैसे धीरे धीरे ना आपको क्या होगा, इतने सारे क्वेश्चंस करते करते हैं, जैसे वो मैंने जितने भी वर्ड्स दिए वर्ड्स देखते ही आपको लग जाएगा हाँ इसी में कहीं पार्ट में एरर है, जैसे इंक्लूडिंग, अभी तो आप पूरे सेंटेंस पढ़ो, लेकिन जैसे जैसे आप करोगे, दो तीन बार प्रैक्टिस करोगे, दो तीन सेट्स लगाओगे, तो आपको पता चल जाएगा कौन से सेंटेंस में आपको मिस्टेक है, कौन से वर्ड में मिस्टेक हो सकता है। जैसे देखो द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग टू शेप पर, जैसे इंक्लूडिंग देख के आपको सेंटेंस, मैंने आपको जो वर्ड्स दिए थे वो याद आ गया होगा, जैसे इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग बताया था, तो यहाँ पे क्या आएगा सिंगुलर, देख के पता लग जाएगा यहाँ पे सिंगुलर आना चाहिए। द सम एंड सब्सटेंसेस ऑफ हिज पोएम इज एज फॉलोस, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल में भी करा दिया था, इसको तो ऐसे एग्जाम्पल में भी आपको कराया था। Neither of the five accused, neither of, मैंने आपको बताया था neither of, either of जब भी आते हैं ये दो लोग की बात होती है, यहाँ पे पांच लोग की बात हो रही है, तो यहाँ पे neither of ने, यहाँ पे आएगा none of the five accused करके आएगा, ये में गलती है, ये में mistake है। The strain of all the difficulties, vexations and anxiety were, ये सारे जो है हमारे singular हैं, जैसे देखो देखो ये सब तो यहाँ पे ES लगा हुआ, ये आपको प्लूरल दिख रहा होगा, इस हिसाब से यहाँ वर्ब नहीं आएगा, यहाँ पे हम मेन सब्जेक्ट को देखेंगे, मेन सब्जेक्ट क्या है, द स्ट्रेन ऑफ ऑल, तो यहाँ पे क्या आएगा वॉज आना चाहिए। आप अगर ये चीज एकदम से आपको दिखेगा ये इसमें आप नो एरर करके आ जाओगे, लेकिन ध्यान से देखोगे कि स्टार्ट कैसे हुआ है, द स्ट्रेन ऑफ ऑल, ये सब किस पे डिपेंड हो रखे हैं, स्ट्रेन पे डिपेंड हो रखे हैं, और ये स्ट्रेन हमारे क्या है सिंगुलर है, तो ये भी हमारा सिंगुलर होना जरूरी है। एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज देयर अप्स एंड डाउन, देयर क्यों आएगा यहाँ पे, देयर नहीं आएगा, यहाँ सिंगुलर आएगा, हैज हिज अप्स एंड डाउन आएगा, ठीक है, एवरीबडी आया ना, अगर एवरीबडी ऑफ भी आता है ना तब भी सिर्फ नाउन में वो होता प्लूरल होता, तब भी हमारे वर्ब्स जो है वो सिंगुलर ही रहता। एवरी वुमेन इन द वर्ल्ड, देखो यहाँ पे हर चाइल्ड आना चाहिए, देख के ही पता लग रहा है साफ, एवरी वुमेन, एवरी आ गया, तो यहाँ पे सिंगुलर आना चाहिए था, तो यहाँ पे आएगा हर। नाइदर ऑफ देम सेंड हिज पेपर्स, देम में हमें ये नहीं पता मेल है फीमेल है, मैं आपको बताया था जब पता नहीं होता तो हम हिज डाल देते हैं, मेल के फॉर्म में लेते हैं, Neither of आया, This is strange word, This is strange तो है बहुत, This is strange word, where each one pursues their own gold bubbles, जैसे यहाँ पे देखो यही mistake पता चल गया, where each one pursues his, जैसे male female का नहीं पता हमें, तो यहाँ पे his आएगा, his own gold bubbles, and laugh at each other and others for doing the same thing,
मतलब अपनी गलती देखते नहीं है, दूसरों पे हंसते हैं, ये सेंटेंस भी ये बोल रहे हैं। इफ इट वर पॉसिबल टू गेट नियर व्हेन वन ऑफ द वोल्केनिक इरप्शन टेक्स प्लेस, टेक्स आएगा ना यहाँ पे, ये सिंगुलर है तो टेक्स आएगा यहाँ पे। इफ आई वर, देखो यहाँ पे वर आया कितना सही है, मैंने आपको बताया था अगर हम कोई विश करते हैं, हम ऐसा इमेजिनेशन करते हैं तो यहाँ पे वर होगा। सो इफ इट वर पॉसिबल टू गेट नियर व्हेन वन ऑफ द वोल्केनिक इरप्शन टेक्स प्लेस, टेक्स प्लेस आएगा। राइज इन रेंट्स एंड वेजेस, वेजेस के दो मतलब होते हैं, एक रिजल्ट और एक लेबर, यहाँ पे क्या मतलब आप कमेंट बॉक्स में बताना। हैज बीन फाउंड आएगा, यहाँ पे हैव नहीं, यहाँ पे हैज आएगा, ये क्यों आएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैंने आपको बताया था ये, कल एक्सप्लेन किया था ये सेंटेंस। He is one of those few post-colonial writer who believes गलत बिलीव आएगा दैट दिस टॉक अबाउट कॉलोनिज्म हैज गॉन टू फार एंड हैज टर्न्ड इनटू अ क्लिंच, यहाँ पे देखो यहाँ पे बिलीव आएगा, सिंगुलर आना चाहिए ना, ए में मिस्टेक है। ही इज वन ऑफ द, वन ऑफ आया ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ सिंगुलर आना चाहिए, आपको बताया था जब भी वर्ब होता है वो सिंगुलर ही होता है, वन ऑफ, ईच ऑफ, इन सब में। One of the particularities which distinguish the present age, distinguish आएगा, I think ये आपको समझ में आ रहा होगा easily, जल्दी जल्दी करते हैं। Neither of them is going to attend, ये सारे examples अभी इससे पहले वाले पेज में हमने कर लिया था, same वैसे ही type के questions हैं, इसलिए आपको मैं explain नहीं कर रही। 10 miles, देखो distance है, distance जब भी आता है, सब्जेक्ट जब भी आते हैं तो सिंगुलर होता है। 10 miles is, इफ महात्मा गांधी वॉज अलाइव, देखो इफ महात्मा गांधी वॉज अलाइव, एक ये एक विश है, अगर होते तो, अगर वो महात्मा गांधी जी जिंदा होते तो मैंने आपको बताया था हम यही देखेंगे सिंगुलर है प्लूरल, अगर हम विश की बात कर रहे हैं तो हमारे वर यूज हो जाता ओके। हैविंग अक्वायर्ड सम एक्सपीरियंस शी इज नो लॉन्गर वन ऑफ दोस हु बिलीव्स, बिलीव्स नहीं, बिलीव आएगा, मन ऑफ आए, बिलीव आएगा। सेम टाइप के क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड टाइप का क्वेश्चन है जो हम सेम कर रहे हैं, इसलिए आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही। विथ ग्रेट टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिटेल्स ऑफ द प्रपोजल द कमिटी वॉज डिवाइडेड, कमिटी यहाँ पे क्या है, कलेक्टिव नाउन है, आपको बताया था कलेक्टिव नाउन के बारे में, कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर होता है लेकिन कभी भी तोड़ने की बात आ रही है, डिवाइड करने की बात आ रही है तो हमारा क्या आ जाते हैं प्लूरल, तो यहाँ पे वर आना चाहिए था, बी में मिस्टेक है, इसमें हमारा बी मिस्टेक था। मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गेट फ्रॉम अमेरिका इज यूज्ड टू बिल्ड रोड्स एंड ब्रिजेस, यहाँ पे इज नहीं, यहाँ पे प्लूरल होगा, क्यों, यहाँ पे देखो हमें सब्जेक्ट देखना किस पर, मोस्ट ऑफ द फंड, फंड नहीं है, फंड्स है, तो फंड्स क्या है हमारा, सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल है तो यहाँ प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल आना चाहिए था। तो मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गेट फ्रॉम अमेरिका आर यूज टू बिल्ड, यहाँ आर आना चाहिए, यहाँ पे इज नहीं। द टाइगर वॉज नॉट द ओनली डेंजरस एनिमल इन द फॉरेस्ट, देर वॉज हेनास टू, हेनास है, प्लूरल है तो यहाँ वर आएगा ओके, सेम मिस्टेक है। She immediately quit the job in which neither skill nor knowledge was required. यहाँ was आएगा, मैंने आपको ये सब बता दिया, neither nor, either or का, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ singular होना चाहिए था, यहाँ was आना चाहिए, यहाँ was आना चाहिए था। The type of qualities you acquire depends upon your company. देखो यहाँ पे depend नहीं, depends होना चाहिए था, the type of qualities you acquire depends क्यों नहीं चल रहा, हाँ depends upon your company होना चाहिए था, ऐसा क्यों आप सोच रहे हो कि qualities तो मेरा plural है तो यहाँ पे depend ही होना चाहिए, नहीं, qualities क्या, a type of quality, तो type हमारे क्या यहाँ singular है ठीक है, types नहीं है, type, the type of qualities है,
ये हमारा सिंगुलर है तो ये भी हमारा सिंगुलर होना चाहिए, इसलिए डिपेंड्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। आवर सक्सेस एंड आवर फेलियर लार्जली डिपेंड्स, देखो ये दोनों सक्सेस एंड फेलियर दोनों ही सिंगुलर है तो ये भी तो सिंगुलर होगा ना, लार्जली डिपेंड्स अपॉन आवर एक्शंस। दैट डे व्हेन दे ब्रॉट हर बैक फॉर द लास्ट टाइम देयर वॉज मैनी ओल्ड टाइमर, मैनी मैंने आपको बताया रहेगा, मैनी अ आएगा तो सिंगुलर है, मैनी है तो प्लूरल है, तो यहाँ पे वॉस नहीं, यहाँ पे वर आना चाहिए, आपको देख के ही पता लग जाना चाहिए था यहाँ पे। आई होप आपने सारे क्वेश्चंस ऐसे ही किए होंगे, डाउट नहीं आया होगा आपको, क्योंकि मैंने आपको बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट किया है एकदम। अ कंप्यूटर वायरस वर्क्स एक्जैक्टली लाइक द बायोलॉजिकल वैरायटी व्हिच इन्वेड द ह्यूमन बॉडी, व्हिच इन्वेड किसकी बात हो रही है, बायोलॉजिकल वैरायटी, बायोलॉजिकल वैरायटी हमारे क्या है सिंगुलर है, तो विच इन्वेड क्या होना, इन्वेड होना चाहिए, इन्वेड्स होना चाहिए था, इन्वेड्स होना चाहिए था, विच इन्वेड, ये दोनों कनेक्टेड होने चाहिए थे हमारे, हु दैट विच इन सब में ये और ये, इन दोनों का कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। अब ये अगर इससे कनेक्टेड है और ये हमारा सिंगुलर है तो ये भी तो सिंगुलर होना चाहिए था, तो इन्वेड्स आएगा। मैनी अ बॉय सिंगुलर has not done his homework, यहाँ दो mistake है ना, has देखो क्योंकि many a यहीं पे पता चल गया singular है तो have नहीं has आएगा, has not done his homework properly, तो b में mistake है, b में दो mistake है। 2 miles beyond that buildings was seen dozens of antisocial element, dozens plural है, buildings were seen dozens of आएगा यहाँ पे, यहाँ वॉज नहीं सिंगुलर नहीं है, डजन नहीं है यहाँ, डजन्स ऑफ है तो प्लूरल है, तो यहाँ पे वर आएगा, यहाँ पे वॉज नहीं आएगा। यहाँ पे देखो नेक्स्ट सेंटेंस, अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज सीन द ब्यूटिफुल एंड माइटी हिमालयाज, हिमालय नहीं है हिमालयाज है, अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज सीन द ब्यूटिफुल एंड माइटी हिमालयाज, यहाँ पे इज नहीं आएगा, मैंने आपको बोला था जब भी कंट्री का नाम आता है तो हम सिंगुलर यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, यहाँ सब्जेक्ट इंडिया है या कुछ और है, देखो ऑफ इंडिया इज सीन द ब्यूटीफुल ऑफ माइटी हिमालयस, यहाँ पे मेन इस चीज की बात हो रही है, ब्यूटीफुल ऑफ ब्यूटीफुल एंड माइटी हिमालयस की बात हो रही है, पर हिमालय नहीं है हिमालयस है, ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे इज नहीं, यहाँ पे आर आएगा। ओके, यहाँ आपको कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि मैंने ही आपको बोला था अगर इंडिया कोई भी स्टेट का नाम आ गया, सॉरी कंट्री का नाम आ गया, वेस्ट इंडीज इंडिया ये सब आ गया तो यहाँ पे आपको सिंगुलर ही रहना चाहिए, लेकिन हमेशा हाँ एक और चीज़ याद रखना, अगर कंट्री एज अ गेम कंट्री का नेम आ गया तो वहाँ पे भी हमारा प्लूरल होगा, और सेम यहाँ पे सब्जेक्ट देखो मेन सब्जेक्ट क्या है, यहाँ इंडिया या हिमालयाज है, यहाँ दो सब्जेक्ट्स में इंडिया का क्या चीज़ ब्यूटीफुल है, हिमालयस ब्यूटीफुल है, तो ये हमारा मेन सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे मेन सब्जेक्ट प्लूरल है, इस वजह से ये भी हमारा आर होगा प्लूरल। अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर हैव हेल्प इन मेकिंग द सेलिब्रेशन अ ग्रेट सक्सेस, अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स हैव हेल्प इन मेकिंग द सेलिब्रेशन अ ग्रेट सक्सेस, यहाँ पे क्या मिस्टेक है देखो, यहाँ पे हैव आएगा या हैज आएगा आप बताओ, यहाँ पे आप बोलोगे हैव सही है क्योंकि यहाँ पे वॉलंटियर्स हैं, लेकिन गलत, यहाँ पे वॉलंटियर्स किसका है, अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स, बॉडी हमारा क्या है, ये बॉडीज नहीं है, बॉडी है सिंगुलर है तो ये भी तो सिंगुलर होना जरूरी है ना, बॉडी ग्रुप क्लास ऐसे कुछ भी आ जाए अगर वो सिंगुलर है, अ क्लास ऑफ वॉलंटियर्स, अ ग्रुप ऑफ वॉलंटियर, अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर, वॉलंटियर्स का एक ग्रुप है, अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स है तो ये हमारा ग्रुप है, और आपको मैंने बोला था ग्रुप में जब भी आता है और डिवाइड नहीं होता तो हमेशा हमारा सिंगुलर होना जरूरी है, तो हमारा बी मिस्टेक है, यहाँ पे सिंगुलर आएगा हैज आएगा। देयर अपीयर्स अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स यहीं पे देखो ये हमारा प्लूरल है, देयर अपीयर्स नहीं आएगा, अपीयर्स हमारा क्या है सिंगुलर है, यहाँ अपीयर होना चाहिए था, देयर अपीयर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड आई रियली डू नॉट नो हाउ टू सॉल्व देम,
यहाँ पे अपेयर्स नहीं, अपेयर आना चाहिए क्योंकि अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है, ये हमारा प्लूरल है, ये भी हमारा प्लूरल होना चाहिए. Shingles are a disease. Shingles बीमारी है. मैंने आपको बोला था कोई भी डिजीज आएगा तो वो सिंगुलर होगा, यहीं पे पता चल गया, यहाँ इज आना चाहिए. Shingles एक टाइप का वायरस होता है, ह्यूमन वायरस होता है ये, जिससे चिकन पॉक्स वगैरह भी आ जाते हैं. Shingles इज अ डिजीज इन विच अ पर्सन डेवलप अ लॉट ऑफ इन्फ्लेम्ड स्पॉट अराउंड द रिस्ट. ठीक है, यहाँ पे इज आना चाहिए. कोई भी डिजीज का नाम हो, उसमें ऐसे खत्म हो, ऐसे खत्म ना हो, वो हमारा सिंगुलर होगा. Whether she should get married or whether she should remain single are her personal problem. यहाँ पे देखो either or का ऑप्शन आ रहा है. Whether she should, अगर वो शादी करे या वो remain single रहे, ये उसकी personal problem है. ये या वो, ऐसे दो situation है. यहाँ पे either or का situation आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, singular होना चाहिए था. Singular आएगा, यहाँ पे is, her personal problem आना चाहिए. तो सी में दिक्कत है, सी में एरर है. अब एक सेंटेंस आता है, टू एंड टू. इस सेंटेंस में ये मैं स्टार मार्क कर देती हूँ इसको. मैं टू एंड टू मेक्स फोर, मैंने बोला था नाउन बार बार वही रिपीट हुए. अच्छा, मैंने अभी आपको नाउन नहीं पढ़ाया. एक्चुअली नाउन जब पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी. अगर सेम नाउन, सेम नाम अगर दो बार रिपीट हो तो एक्चुअली सिंगुलर होना चाहिए. तो उस टाइम पे ये मेक्स सही है, यहाँ पे ये मेक्स सही है, यहाँ पे नो एरर आना चाहिए. लेकिन अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स में देखें, तो यहाँ पे टू एंड टू मेक फोर आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये प्लूरल है. टू और टू, टू एंड टू मेक फोर आना चाहिए. तो ये दोनों टाइप से हो सकते हैं, लेकिन एसएससी इसको मेक मानते हैं, मेक्स नहीं. ठीक है, तो हम भी इसको मेक ही, हाँ यहाँ पे हम एरर देखेंगे. इसमें हम एरर क्या है, इस पर एरर है हमारा टू एंड मे, टू एंड टू मेक्स फोर नहीं, मेक फोर आना चाहिए था. मेनी अ मैन, मैं देखो मेनी अ क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे तो सिंगुलर आना चाहिए ना. मैन कैसे आया, तो मेनी अ मैन attend the meeting last night. Many a man होना चाहिए यहाँ पे, ये मैं मिस्टेक है. The perquisite to this job makes it even more attractive than a salary indicate. Perquisite क्या होता है, जो सैलरी के अलावा जो एडिशनल मिलते हैं, जो हेल्थ बेनिफिट्स वगैरह होते हैं, उसको बोलते हैं. यहाँ पे ये perquisites जो है वो हमारे देखो प्लूरल है, तो यहाँ पे भी प्लूरल होना जरूरी है. यहाँ मेक्स नहीं, यहाँ मेक होगा, तो बी में मिस्टेक है. इसका लास्ट है 55th है, either you or he is happy, either or आ गया. तो यहाँ पे सिंपली हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे is होना चाहिए था हमारा, तो यहाँ पे सी में मिस्टेक है. तो गाइस अभी तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे. क्वेश्चंस भेजे और उसके साथ सॉल्यूशन भी आपको पूरा करा दिया एक्सप्लेनेशन के साथ. अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करना. कल दोबारा एक न्यू क्लास के साथ मिलती हूँ. अभी आपका सब्जेक्ट व असाइनमेंट ख़त्म हो गया, अग्रीमेंट ख़त्म हो गया. कल मैं नाउन से स्टार्ट करूँगी आपको. चलो गाइस, बाय, टेक केयर, बाय बाय. और हाँ फ्रेंड्स, कोई क्वेश्चन आपको अभी भी दिक्कत हो, कोई आपको समझ ना आए हो, एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसको एक बार एक्सप्लेन कर दूँगी दोबारा कमेंट बॉक्स में. ठीक है, ओके, बाय बाय.